यूक्रेन के खिलाफ जहां रूस के हमले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं नेटो की मदद से यूक्रेन भी इन हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। पुतिन ने दे डाली परमाणु युद्ध की धमकी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन बोले कि अगर यूक्रेन को लंबी दूरी के पश्चिमी हथियारों के साथ रूस के अंदर तक हमला करने की छूट दी जाती है तो रूस अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों की मारक दूरी के अंदर मिसाइलों को तैनात कर सकता है। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देशों का ये मानना गलत है कि रूस कभी परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करेगा। पुतिन ने जर्मनी को चेतावनी दी कि यूक्रेन द्वारा उसके हथियारों का उपयोग करना एक खतरनाक कदम होगा। इसके जवाब में रूस परमाणु हथियार का प्रयोग कर सकता है। नाटो ने पश्चिमी हथियारों के उपयोग की कही थी बात। पिछले दिनों नाटो प्रमुख जेन्स स्टोलेनबर्ग ने एक बयान दिया था यूक्रेन को रूस पर हमले के लिए पश्चिमी हथियारों का उपयोग करने की अनुमति देने का आह्वान किया था। इसके बाद पुतिन ने चेतावनी दी कि कीव को शक्तिशाली हथियारों के साथ रूस पर हमला करने की अनुमति देना एक गंभीर मुद्दा है जो पश्चिम को रूस के साथ युद्ध की ओर ले जा रहा है। बता दें, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को रूस के अंदर सैन्य ठिकानों पर अमेरिका के कुछ हथियारों को लॉन्च करने की अनुमति दी थी। ब्रिटिश विदेश सचिव डेविड कैमरन ने कीव यात्रा के दौरान बयान दिया था। यूक्रेन को रूस के अंदर हमला करने के लिए ब्रिटेन के हथियारों का उपयोग करने का अधिकार है। रूस तैनात करेगा खतरनाक मिसाइल। पुतिन ने कहा कि मॉस्को हाई टेक्नोलॉजी वाली लंबी दूरी की मिसाइलों को उन देशों के नजदीक तैनात करने की सोच रहा है जिन्होंने यूक्रेन को रूसी क्षेत्र पर ऐसी मिसाइलों से हमला करने की अनुमति दी है। पुतिन ने यह साफ किया कि वह ऐसी मिसाइलों को कहां तैनात करेंगे।